कैंट पुलिस ने दो अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्त को सोनारी गली से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान उमेश चौहान पुत्र स्वर्गीय मोती चंद्र चौहान निवासी कनखुरिया थाना कस्या जनपद कुशीनगर, दूसरा अहमद पुत्र नगीना निवासी ग्राम चेगौना सुमाली थाना कस्या जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का 45,000 रुपए नगद व घटना में प्रयोग किए जाने वाली एक वाहन बोलेरो को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 29 अप्रैल को हरिहर प्रसाद थाना कैंट गोरखपुर द्वारा थाना कैंट पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 28 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपए निकालकर गुरंग चौराहे पर टैक्सी के इंतजार करने के दौरान बोलेरो सवार दो युवकों द्वारा मुझे बोलेरो गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया गया और मेरे पास मौजूद 50,000 रुपए लूट लिए एवं जबरदस्ती गाड़ी से नीचे ढकेल दिया, जिसके तहरीर पर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक दिग्विजय सिंह परमार, अरविंद यादव, अमित चौधरी, कांस्टेबल पवन कुमार यादव, अनिरुद्ध यादव, जय प्रकाश यादव शामिल रहे।